हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त स्नैक हेड एंगलर बहुत टाइम के बाद आया हूँ। अभी काम और गर्मी की वजह से फिशिंग पे नहीं जा पा रहा हूँ, तो आपके लिए कोई नया वीडियो लेके नहीं आ पा रहा हूँ। बट मैंने अभी एक स्नैक हेड कॉम्पिटिशन के बारे में सुना, तो सोचा कि आप लोगों को भी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो दोस्तों, आप लोग जानना चाहोगे कि स्नैकहेड कंपटीशन कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ लोनावाला। लोनावाला में किटी फिशिंग और एचएमबी नेट्स की ओर से एक बहुत ही बढ़िया स्नैकहेड फिशिंग का कंपटीशन रखा गया है, और इसकी एंट्री फी है खाली 1250 रुपये। तो 1250 में ये लोग हमें देंगे एक बढ़िया सी टी शर्ट और एक कैप। तो कंपटीशन रखा गया है 29 मई को, और ये शुरू होगा अराउंड सुबह 4:30-5 बजे से लेके 10:30-11 बजे तक। और उसके बाद हम लोगों को लंच दिया जाएगा। तो मैंने सुना कि ये कंपटीशन में बहुत सारे एंगलर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों से मिल लूँ। तो अगर आप भी मुझे मिलना चाहते हो तो फटाफट नीचे दिए गए नंबर पे बात कीजिए। सागर भाई आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे स्नैकहेड कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए। और दोस्तों, ये जो कंपटीशन रखा गया है वो बेसिकली रॉड्स से ही खेल रहा है, आप हैंड लाइन से नहीं खेल पाओगे। और ये पूरा गेम आपको खेलना पड़ेगा आर्टिफिशियल लूर, मीन्स आप हॉलो बॉडी फ्रॉग यूज कर सकते हैं, अंडर वाटर लूर यूज कर सकते हैं, स्पिनर्स यूज कर सकते हैं, बट आप लाइव बेट नहीं यूज कर सकते। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है केडी फिशिंग ने। थैंक यू केडी फिशिंग। और इसके जो मेन स्पॉन्सर है वो है फिशर किंग। थैंक यू केटी फिशिंग फॉर ऑर्गेनाइज सच अ नाइस इवेंट। और दोस्तों, ये इवेंट का जो विनर्स रहेगा उसको 25,555 कैश प्राइज दी जाएगी, और जो रनर्स अप रहेगा उसको 15,555 रुपये कैश प्राइज मिलेगी। तो सारा इवेंट खत्म होने के बाद लंच होगा। तो और एक बात, इन्होंने अपने फिशिंग स्टॉल भी लगा रखे हैं, तो अगर आप लोगों को कुछ खरीदना है तो आप वहाँ पे खरीद भी सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइज सच अ नाइस इवेंट, कि आप लोग नए नए एंग्लर्स को चांस दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच केडी फिशिंग एंड एचएमबी नेट्स। तो दोस्तों, मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और फटाफट आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो हम मिलते हैं 29 मई को लोनावाला में।